So, assalamu alaikum after a long time. This is the order I received from Ideal NC. ये मैं ओपन कर चुकी हूँ बाय द वे. अभी इसको वापस डाला है टू मेक अ वीडियो. और ये थोड़ा सा ना यहाँ से खुला हुआ भी था तो मैंने यहीं से इसको टेयर किया. ये इसका बॉक्स था टेपों में लिपटा हुआ और उसमें से ये इतना छोटू सा ज्वेलरी बॉक्स निकला है. साथ में निकला है ये हमारे पास ऑर्गेनाइज़र है एक वुमेंस का सुप्रीस. इसकी मुझे क्वालिटी और पैकिंग वगैरह थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू द ज्वेलरी बॉक्स. आइडियल एजेंसी वालों पिक्चर को हाथ में लेके बॉक्स बनाया करो, इट्स टू छोटू. और मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि मुझे ब्लैक में नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कलर सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा था. सो खैर उन्होंने पाकिस्तान वाला ग्रीन कलर भेज दिया मुझे ऑर्गेनाइज़र का और साथ में ब्लैक कलर का पाउच, वो भी प्लेन, जबकि ये जो था ये प्रिंटेड था इन द पिक्चर. और ये जो था ये पिंक में और ग्रीन में जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो था मिंट ग्रीन और पिंक था, लेकिन इन्होंने ब्लैक भेजा है. सो उसको मैं बैग से निकाल चुकी हूँ और ये देखें ये कुछ इस तरह से है. ये थोड़ा सा टू हैंड्स का टास्क है बट आई एम होल्डिंग अ सेल फोन बिकॉज क्या करें, हमारी प्रमोशंस कोई नहीं लेता, हमें कोई नहीं देता ये सब कुछ, तो ये सब हमें अपने बजट में करना होता है. इसको यहाँ से बंद करेंगे. ठीक है, तो ये जी हमारा विद लिड का ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है. सो बेसिकली ये होता है वुमेंस के लिए अंडरगारमेंट्स का, पर आप इसको सॉक्स के लिए और जेंट्स के इस्तेमाल में भी कर सकते हैं, जस्ट एन ऑर्गेनाइज़र. लेकिन ये इसकी क्वालिटी बस सही है, नॉट दैट गुड जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बिकॉज पिक्चर्स में इट वाज टू फाइन, इट वाज टू गुड. और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आइडियल एजेंसी से नहीं दराज के किसी फेक उससे ऑर्डर कर दिया. सॉरी टू से बट आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड विद दिस शॉपिंग. थैंक गॉड मैंने दो दो तीन दिन नहीं ऑर्डर किए थे बिकॉज वन ऑफ माई वॉट डू वी कॉल सिस्टर इन लॉ इज़ गेटिंग मैरिड, तो मैंने उसके लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए ये चीज़ें ऑर्डर करी थी. दिस इज़ अ ट्रैवल पाउच, इसमें दो साइज़ थे, बड़ा भी थे दो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे तो मैंने कहा यार इट्स हैंडी थिंग. तो ये अंदर से कुछ इफ़ यू कैन सी इस मटेरियल का है, तो ये बहुत छोटू है. एज यू कैन सी पिक्चर में बहुत बड़ा नज़र आ रहा था, आई मीन इससे तो एक दो नंबर बड़ा ही था, बट द थिंक इज़ कि ये थोड़ा ऐसा है, इट्स टू छोटू. ये निकल सकते हैं, रिमूवेबल हैं, दिस इज़ नॉट होल्डिंग एज वेल. द क्वालिटी दे आर सेइंग लेदर बट दिस इज़ नॉट लेदर, दिस इज़ नॉट लेदर. अंदर शायद क्या कह सकते हैं, ये चीज़ थोड़ी सी रेगजीन टाइप की है और ये फॉर्मिक है सारा, इट्स जस्ट लेदर टेक्स्चर, नॉट लेदर ओरिजिनली. तो प्लीज़ ये बातें आप लोग अपने ऑनलाइन पेजेस पे मेंशन किया करें कि आप क्या भेज रहे हैं ताकि कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड रहें. हर वेबसाइट पे ये बॉक्सेस अवेलेबल हैं बट आई सेलेक्टेड आइडियल एजेंसी क्योंकि मैंने कहा शायद ऑथेंटिक होगा कुछ, लेकिन मेरा फर्स्ट परचेज था इससे. होम अमेजिंग वालों से इससे पहले मैंने ऑर्डर किया था, दे आर वेरी गुड ऑन सेंडिंग आइटम्स एंड पैकिंग एंड ऑल. बट ये मुझे क्या कहूँगा, ये वीलॉग किस बारे में है, ये इसकी तारीफ़ करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है ना इसकी बुराई करने के लिए, जस्ट बजट फ्रेंडली थिंग्स जो बंदा परचेज़ कर सकता है. अच्छा जी, जहाँ तक बात है प्राइस की, तो ये मुझे दोनों चीज़ें 1600 में रिसीव हुई हैं, ये और ये दोनों मिला के. अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो इंडिविजुअली आई थिंक एक जो चीज़ है ये वाली क्या कहते हैं ज्वेलरी बॉक्स वाली, ये हमें पड़ी है कुछ 500 या 600 रुपए की. और सेकंड वाली जो है ये भी कुछ प्लस कर लें तो इतने की ही है. तो ये टोटल जो है 1598 का विद डिलीवरी मुझे डिलीवर हुआ है. क्वालिटी इज़ रियली नॉट दैट गुड बट चलो गुजारा कर लेंगे.